तूने कोई पैनिक की लगाई ना अपनी तरफ से, मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा, ठीक है ना? ऐसी तेरी मैं गांड फाड़ूंगा ना गश्ती के बच्चे, तू आगे आराम से बात कर, गालियां क्यों दे रहा है, किसको दे रहा है गालियां? चोद, मैं तेरी मां चोद दूंगा हमजा। उसका सारा की सारी मैंने एक एक चीज नोट कर ली है, उसने वो वीडियो लीक करवाई है उससे, वो भी पकड़ा गया, अब उस पर केस होगा, उसको जेल होगी। बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं शमीर को क्लियर कर सकूं। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि आप लोग जितने भी ऑडियंस देख रही है जो मर्जी सोचो यार मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब के अलावा भी जना हम लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ, ठीक है? आप शमीर ने, आप लोग अगर शमीर की वीडियो से गालियां वगैरह मेरी देख के आ रहे हो और मुझे अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ठीक है यार, ना करो, कोई इशू की बात नहीं है, मेरी भी अपनी पर्सनल जिंदगी है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, बेशक लड़की हो या लड़का जो भी अभी देख रहा है मुझे, सब मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कभी गाली नहीं दी अपने यारो दोस्तों में बैठ के? कभी आपने गाली नहीं दी? तब शमीर भी मेरा दोस्त था, साथ बैठे होते थे, शमीर साहब कह रहे हैं वीडियो बना यार, वीडियो बना, चल चल गालियां दे, गालियां दे, वो भी गालियां दे रहा है, मैं भी गालियां दे रहा हूँ, उसने कि मैं गालियां देता, हंसने मेरी वीडियो बना ली। इस तरह की शुगल मेले वाली हरकतें लोग बैठ के करते हैं कि आप लोग नहीं गालियां देते इस तरह? वैसे तो कमेंटों में भी लोग गालियां आगे दे रहे होते हैं, तो जरा बात को गौर समझ के सोचे, मुझे नहीं परवाह आप मेरे बारे में जो मर्जी सोचे, ठीक है? इस तरह तो अगर मैं उधर से गालियां दे के इधर आया हूँ और आप लोग मुझे कह रहे हो कि तू ये है तो वो है, तो फिर तो आप भी गुनाहगार हो। देखो कोई भी दूध का धुला नहीं होता, सब गुनाहगार है, मैं भी गुनाहगार, मैं सिर्फ एज अ फेलो यूट्यूबर शमीर अब्बास को ये बात करने आया हूँ कि जब बंदा आपको बार 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 अपनी वीडियो में पोक करे, बार बार पोक करे, ठीक है, तो इंसान की एक बर्दाश्त होती है, तो बर्दाश्त जब खत्म हो जाती है ना तो इंसान को बोलना पड़ता है। तो देख यार, तू अपनी सारी वीडियोस में जो है ना मुझे बार बार पोक कर रहा है, बार बार पोक कर रहा है, जब तेरी पहले एक वीडियो लीक हुई थी जो तेरी किसिंग वीडियो थी, ठीक है, उसके बाद मैंने सिर्फ एक तुझे जवाब दिया था, ठीक है, उसके बाद मैं खामोश रहा, लेकिन तेरा जिसके साथ भी फड्डा होता है तू जो है ना मुझे बीच में रोलता है, LNB के साथ तेरा फड्डा चल रहा है, ठीक है, उसमें तू मेरी वीडियोस लगाई जा रहा है, क्या मसला तुझे? अगर तुझे मेरे साथ कोई पर्सनल इश्यूज है तो वही सामने बैठ के बात करना, जिस तरह तूने फहद और मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया था जब तेरी पहली वीडियो लीक हुई थी, जब तू हम पे शक कर रहा था, तो जब तूने हमें बुलाया था तब आवाज ही नहीं कर रही थी मुंह से, तू सिर्फ जो है ना कैमरे के सामने बोल सकता है, तू है फट्टू, ठीक है? ये होती है खुसरो वाली बातें कि कैमरे के सामने बोला और वीडियो बनाई वो चला दी, तू जो है ना तू सही में लोहरी खुसरा है, ठीक है, लोहरी तू खुसरा है, क्योंकि तू सिर्फ कैमरे के आगे बैठ सकता है और फिर अपने बोल सकता है, तू बाहर निकल के जो है ना मुंह पे बैठ के बात नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले बताया कि तेरे हम फ्लैट पे आए तब तो तेरी टट्टी खुश्क हो गई थी, तब तो तुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, हां वीडियो के सामने तू बैठ के बोलता है, वीडियो के सामने बैठ के तू किस तरह बोला जाता समझ? अच्छा हराम खाने की आदत जो हो गई है तुझे, तेरे पास कंटेंट नहीं है, तूने कहा चलो कंट्रोवर्सी है पकड़ के जो आगे लेता जाता हूँ, उस पे ऐड लगाता हूँ, इसे पैसे छापता है, हराम खाने की तुझे आदत हो गई है। अब जैसे कि देख लो फहद के साथ तूने कंट्रोवर्सी की, तूने फहद पे इल्जाम लगा दिया, उसको लेट डाउन किया ताकि फहद के व्यूज और सब्सक्राइबर्स स्लो हो गए, और तू इसमें कामयाब भी हो गया, फहद के व्यूज स्लो हो गए और सब्सक्राइबर्स भी स्लो हो गए, LNP के साथ तू जो है ना फटे करने लग गया और उसमें पीछे मुझे रोल रहा है, तू पागल है? और फहद के साथ तेरी दोस्ती किसने हुई? हां दूं आपको बता, चल बता ही देता हूँ आपको। गैर अवाम जो है ना उसकी आंखों पे ना पट्टी बांधी हुई है, किसने अवाम को ये मैनिपुलेट करता है और अवाम इसकी बातों में आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ फहद के साथ किसने दोस्ती हुई थी, फहद ने इसके ऊपर करवा दिया था केस, जिसकी वजह से इसको जाने पड़ गया था थाने, जब थाने में इसको बुलाया था उसकी हालत इस तरह हो गई थी, भाई माफी देता हूँ यहाँ से निकलवा दो, माफ कर दूंगा, ये रहा सबूत। अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते तो मैं आप लोगों को जो है ना ये क्रेजी की जुबानी सुनाता हूँ, ये सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, क्या हाल है? ठीक है यार, ये मैंने आपकी वीडियो देखी है अभी ये शमीर के साथ, ये क्या सीन है आपकी सुलह किस तरह हुई है इसके साथ? क्या यार सुलह, वो तुझे पता तो है, ये मैंने पिक्चर जो भेजी ना ये देख, इसमें लिखा हुआ सारा कुछ, वो तुझे पता है ना जो मेरे पे वो अटैक हुआ था, लोगों ने मुझे मारा मुरा था, तो उसके बाद ना जारी बात अब ये तो बाज नहीं आ रहा था, वीडियोस बनाता जा रहा था, तो फिर मैंने इस पे केस करवाया था, तो फिर वहाँ पे गए हम लोग थाने, फिर इसकी तरफ से वकील आया हुआ था, मेरी तरफ से भी वकील आया हुआ था, तो पहले तो मेरा मूड बना हुआ था कि ना इस पर डिफेमेशन का केस करूंगा, ताकि आगे जब वो साइबर क्राइम पे बात जानी थी फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाना था और पता चल जाना था कि मैंने वीडियो लीक नहीं की, फिर मैंने सोचा था कि इन पे ना फाइन ठोकूंगा, इसको भी, इसके बाप को भी, इसके वो रिपोर्टर जो तोतला उसको भी, लेकिन वो मेरे घर वालों ने भी कहा कि यार वो ज्यादा बात ना आगे बढ़ा, क्योंकि फिर आई तुम लोगों का ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे पैचअप हो रहा तो कर लो, तो फिर इसका वकील भी आया था, मेरा भी वकील था, फिर वहाँ पे हमारी बातचीत यानी कि हो गई, फिर अब इसमें जो ये पेपर है इसमें ये लिखा हुआ है सारा कुछ कि इसने मेरे खिलाफ वीडियोज बनाई जिसकी वजह से मुझे बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है, मेरे पे हमला हुआ है, तो अब हम दोनों सुलह कर रहे हैं और इसके बाद मतलब कि ना ये कोई वीडियो बनाएगा मेरे खिलाफ, ना मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, और जो हमने
पहले वीडियोस बनाई हैं दोनों, हम वो डिलीट भी करेंगे और हम दोनों इकट्ठे मिलके एक बैठ के वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोगों को ये बता देंगे कि ये हमारा जो भी मसला था वो क्लियर हो गया। तो फिर इसने वीडियोस डिलीट क्यों नहीं की अब तक? वीडियोस तो अभी भी हैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। वही ना यार, मैंने ना इसका हिसाब लगा लिया है ना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं कभी हो सकती, इसको वही वाला हिसाब है। वो अब वहाँ पे जब मैं इसके पास वहाँ पे बैठा हुआ था जब हम ये वीडियो बना रहे थे, तब इसने कोई और वीडियो बनाई थी मेरे साथ ना, और वीडियो उस टाइम इसने प्राइवेट भी कर दी थी। तो 3 बजे हमने वो वीडियो अपलोड करनी थी, मेरी भी 3 बजे अपलोड हो गई, इसकी भी। बाद में 5 बजे इसकी आंख खुली तो इसने ना वो वीडियो प्राइवेट कर दी। बाद में मैंने इसको पूछा वो क्या किया, कहता यार वो मेरे अब्बा जी गया थे उसकी वजह से तुझे बड़ा ज्यादा हेट आ रहा है। इसका अब्बा भी इसकी तरह ही है। इसका अब्बा कहता मुझे ना बड़ा ज्यादा तुझे ना बड़ा ज्यादा हेट आ रहा है, तो वाली वीडियो जो है ना ये प्राइवेट कर दे, तो जैसे मैं कहता ना वैसे बना। फिर इसने नई वीडियो बनाई जिसमें यानी कि फिर से यानी कि वो मैनिपुलेट कर गया लोगों को, ये कह गया कि जी वो मेरे पास आया, उसने मेरे से माफी मांगी। माफी क्या मांगी? माफी तो अगर ये वाला सीन ना मंगाता तो कभी भी इसने वीडियो नहीं बनानी थी। मैं कहा मेरी वीडियो निकल गई है और लोगों ने फिर हमें गालियां देने के, भी पहले एक तो सुलह कर रहे हैं दिखा रहे हैं एक वीडियो में सुलह कर रहे हैं, फिर से एक वो मैं शुरू कर दूं। तो मैं सोचा यार अब जाने तो वैसे अब क्या कर सकते हैं, बाकी जो मेरा डैमेज हुआ है वो फिर अब मैं इतना मुझे यकीन है मेरे पे कि मैं अपना काम शाम करके फिर से वो मैं ले आऊंगा ऊपर। इससे अच्छा तो फिर फहद ही है कि जब तूने उसके ऊपर इल्जाम लगाया तो फहद को उसकी इमेज उसको ज्यादा अजीज है कि उसने तुझ पे लीगल एक्शन लिया। तू तो यार वो भी नहीं कर सकता, तेरे अंदर इतना पानी नहीं है कि हम लोगों पे तू लीगल एक्शन ले। तू तो सिर्फ झूठे इल्जाम लगा सकता है अपनी वीडियो में, तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, कभी फहद पे इल्जाम लगा रहा है, तू सिर्फ इल्जाम लगा सकता है। लीगल एक्शन लेना, जा साइबर क्राइम में, पता चले तुझे वहां जाके, फिर पता तुझे चलेगा ना कि तेरी वीडियो आखिर किसने लीक की है। साइबर क्राइम वालों से छुपी तो नहीं रह सकती ना बात। तू जा लीगल एक्शन ले, पता चल जाएगा सबको, वहां के सामने आ जाएगा कि वीडियो तेरी आखिर किसने लीक की थी। यार इल्जाम लगाना छोड़ दे। और वैसे भी बड़ी तू बात करता है ना कि प्रूफ लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, कहां यार तेरा प्रूफ? तूने अपनी वीडियो में ये प्रूफ नहीं किया कि तेरी वीडियो किसने लीक की है, तूने सिर्फ इल्जाम लगाया था। और तूने सिर्फ उसमें ये प्रूफ किया था कि फहद का तूने एक स्क्रिप्टेड प्रैंक दिखा के अवाम को मैनिपुलेट कर दिया, अवाम का सारा ध्यान वहां पे ले आया, सिर्फ कैमरे के सामने ही बैठ जाता। गाइस इसने मुझे यूं किया, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, झूठे सबूत दिखा दिखा के जो है ना तू पागल हो जाएगा। सच्ची बात है, पागल तो तू पहले ही है। उस दिन जब तूने अपनी कम्युनिटी टैब में लगाया था कि पता नहीं कोई मुझे दिमाग का कोई मर्ज है, यानी नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तूने तो खुद बताया था कि मुझे कोई बीमारी है दिमाग, पागल तो तू पहले से ही है। तुझे कंटेंट तेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, क्या बनाऊं। तूने सोचता है कि चल यार इससे पंगे ले लेता हूं, मैं उसके अंदर पंगे ले लेता हूं, कभी बेचारे रहीम परदेसी के साथ पंगे ले रहा होता, कभी ज़ैद अली के साथ पंगे ले रहा होता, कभी इरफान जुनेजा जो आपके अब्बू हैं उनके साथ पंगे ले रहे होते, कभी मोरू के साथ पंगे ले रहे होते। शर्म आनी है, वो तो मुंह नहीं लगाते, जितना मर्जी उनके बारे में बात कर। एक रिप्लाई उनकी तरफ से आया, और हाँ तेरा तो क्वालिटी व्लॉग आना था। ओ गाइस मैं क्वालिटी व्लॉग लेके आऊंगा। ओ इरफान जी नजर कुछ भी नहीं, ओ मोरू भाई कुछ भी नहीं, कितना तेरा क्वालिटी व्लॉग, क्या ये है तेरा क्वालिटी व्लॉग, क्या ये है तेरा क्वालिटी व्लॉग जिसमें तुम मुझे। तो गैस जैसे कि आप लोगों को बताया कि शमीर की पहले एक वीडियो लीक हुई, ठीक है, इसने मुझ पे इल्जाम लगाया, फिर फहद पे इल्जाम लगाया, फिर प्रोफेसर शहबाज पे इल्जाम लगाया। भाई तू मुझे ये बता, तू असल में इल्जाम लगाना किस पे चाह रहा है, पहले सोच तो ले एक बार। हम 3-4 लोगों को बार बार वीडियो में पोक करने का क्या मकसद है? यही है ना कि तेरे हमारे साथ पर्सनल ग्रजेस है। प्रोफेसर शहबाज तुझ पे पदरी फैमिली के ऊपर वीडियोस बनाता था, मीम्स बनाता था, अब तू अपनी वीडियो प्रोफेसर शहबाज पे इल्जाम लगा दिया। फहद उसके व्यूज तो उससे ज्यादा आते थे, बार बार उसकी वीडियो ट्रेंडिंग पे जा रही, अभी तक उसकी वीडियो ट्रेंडिंग पे जा रही है, तू उसे जेलस होता है। जो भी तो तू कहता होता था कि हमसा ये क्रेजी से दूर रहे, ये अच्छा लड़का नहीं है, ये तो वो, क्या तू उसके साथ फिरता रहता है फजूल की तरह, अपने काम पे ध्यान दे, ये तो वो। मेरी बात सुन, फहद जो है मेरे साथ तब का है जब उसके 1000 सब्सक्राइबर होते, तेरे से तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए मुलाकात हुए हुए, और तू ऐसे पर मार रहे लोगों को ये बताता फिर है कि जी तूने मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दिए। चल बाजड़ी के। तो पर्सनल ग्रेजुएट की फाल के साथ भी तेरे हैं, तू फाल के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ठीक है, अब तू उस वजह से तू मुझसे भी जेलस होता है कि मैं उसके साथ फाल के साथ क्यों फिरता हूँ, तू अब मुझ पे भी तू इल्जाम लगाता है। तो कहते आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जिस बंदे के साथ इसके पर्सनल ग्रेजुएट होते हैं ना, उस बंदे को उठा के अपनी वीडियोस में रोलता है। वैसे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, जो आप मुझे भी इस वक्त देख रहे हैं सारे, मुझे समझ नहीं आता कि यार आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है कि क्या किया, या फिर आप खुद शमीर जैसे हो कि एक बंदे ने जो गलत हरकत की हुई है सबके सामने वो आ गई है, ठीक है, आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और उसने आप लोगों को कह दिया कि जी ये प्रैंक है, उसको प्रैंक का नाम दे दिया और आप लोगों ने उसको मान भी लिया। मेरी समझ से बाहर है यार कि आप लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी है। ये शमीर और LNP का जो मसला हुआ है वो लड़की के पीछे वो बिल्कुल सच्चा मसला है। अब वो जो लड़की है महानूर, ठीक है, ये इसी तरह जो है ना और भी कितनी सारी लड़कियां हैं जिनकी ये वीडियो यूज करता है अपने चैनल के ऊपर, उनकी तस्वीरें लगा देते थंबनेल पे, और फिर जब वो लड़कियां उसको कॉन्टैक्ट करती हैं कि यार ये हमारी वीडियो हटा दो, फिर आगे से ये क्या कहता है, आगे से फिर ये कहता है ना 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 वीडियो बिल्कुल ना हटाई, यकीन मान मेरे साथ भी ऐसे, मैंने कहा मैं नहीं वीडियो हटानी, जो पुटना पुट ले, मैंने ऐसे ही मुंह पे कहा लड़की के, मैंने हटाई नहीं अभी तक।
अगर तू खुद बड़ा नेक और शरीफ हो ना तो फिर तो मुझे समझ आता है कि तू हमें पॉइंट आउट करे बातों पे, ठीक। लेकिन जब तू खुद गलत है, खुद तू ऐसा है, तो भाई तू किस बेस पे हम लोगों को पॉइंट आउट करता है, मेरी समझ से बात। तो फिर इसने दूसरी बात गाइस ये की कि पेड मॉडल्स, तो ये खुद भी जो है ना पेड मॉडल्स बुलाता है, यकीन आ रहा। चलो आप लोगों को सबूतों की जबान में समझाता हूँ। ये देखिए लड़की यार सोनी सी बुलाना, ठीक है, ऐवी सी होगी ना, मोटी सी फारिक सी, तो किसी को मजा नहीं आना वीडियो देखने का, समझ रहे हो ना। लोग ही देखते हैं सेक्सी सी हो, अच्छी सी हो लड़की, फिर कहेंगे वो वीडियो चेक करो। नहीं, वो लोगों की डिमांड, ऑब्वियसली लोग ऐसी अच्छा ही माल देख के आते। तो गाइस ये देखें, ये खुद पेड मॉडल से लेके आता है, इसने इल्जाम फहद पे लगा रहा है कि जी फहद पेड मॉडल ला ला के व्यूज लेके आया। तो ये देखें, ये आप लोगों के सामने कह रहा है जी फायदा है, यही तो व्यूज आते हैं, ये तो वो बड़ी तू बात करता है ना, प्रूफ लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। कहां है यार तेरा प्रूफ? तूने अपनी वीडियो में ये प्रूफ नहीं किया कि तेरी वीडियो किसने लीक की है, तूने सिर्फ इल्जाम लगाया था कि फहद का, तूने एक स्क्रिप्टेड प्रैंक दिखा के अवाम को मैनिपुलेट कर दिया, अवाम का सारा ध्यान वहां पे ले आया, ठीक है, फहद ने स्क्रिप्टेड प्रैंक किया, ठीक है। इस तरह तो तेरे वालिद साहब भी कहते हैं कि जी 80% प्रैंक फेक होते हैं, 90% प्रैंक जेड़े ना वो इसी तरह बनते हैं। तो गाइस इस तरह तो फाद के भी 10% प्रैंक फेक होते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं करता हूँ, 10% जो फेक होते हैं। ओ इस तरह तो भाई तू भी तो कहता है कि 95% रियल होते हैं और 5% तेरे फेक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कभी प्लांटेड प्रैंक नहीं किया, मैंने किया है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे 95% जो मेरे प्रैंक्स हैं वो होते हैं असल, बाकी कर लिया कभी फेक कभी नहीं किया। आप लोगों को बताता हूँ सच क्या है, 5% प्रैंक्स के सिर्फ रियल होते हैं, 95% इसके फेक होते हैं। ये प्रैंक तो आप देख रहे हैं शामद्रीस और शामीर का जो है, और अब इसका बिहाइंड द सीन्स चेक करें। शामीर बोल रहा है शामद्रीस को कि किस तरह आपने आना है, अभी इसी का जो बयान आप देखेंगे उससे आपको पता चलेगा कितना फेक। साथ ही शामीर भी था उधर, वो शामीर आवाज और शामद्रीस दोनों आए, उन्होंने कहा कि हम एक एक्ट करें, आप हमारे साथ करोगे? तो मैंने शामीर से पूछा कि करना क्या है, बोला आपको ये करना है, और शाम भी उधर खड़ा होता है, आपको ये करना है कि आपको शाम इदरीस के बारे में कुछ ऐसी बातें करनी है, कुछ बुरी बातें करनी है, और फिर पीछे से शाम आएगा। ये एक और प्रैंक है जो शामीर ने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया हुआ, यूट्यूब पे नहीं किया हुआ, गोल्ड डिगर एक्सपोज वाला, ये देख सकते हैं अब आप। ये यार आप उबर को छोड़ो, अब ये लड़की देखें, ये आप गौर से बचाने इस लड़की को। इसने अब इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, मतलब तस्वीर अपलोड की है उसके साथ, ये और भी तस्वीरें हैं मेरे पास। अब ये उसने इंस्टाग्राम से हटा दिया, लेकिन मुझे मिल गई है ये तस्वीर कहीं ना कहीं से, और ये इसका इंस्टाग्राम है। ये इसके और प्रैंक्स में भी आई हुई है, और मतलब कि फेकिंग थे। देखो इससे मैं सवाल करना चाहता हूँ शमीर भाई, तू ये ना बता लोगों के, देखो हमजा गालियां दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोगों के फेक प्रैंक एक्सपोज ना कर, जो मेन मुद्दे की बात है तू उस पे आ, कि तेरी भाई तेरी वीडियो लीक हुई है ना, तू उस पे लोगों को उस पे बात करना, प्रूफ लेके आ, कोई सॉलिड प्रूफ लेके आ। सिर्फ ये कहने से कि हमजा मेरे फ्लैट पे आता था, ये आता था, वो आता, इस तरह तो भाई तेरे फ्लैट पे हर कोई आता है। हाँ, कोई सॉलिड प्रूफ लेके आ जिसमें पता चले कि जी तेरी वीडियो किसी ने लीक की है, लेकिन वो तेरे पास प्रूफ है नहीं, तू लेके नहीं आ सकता। जब भी तेरी वीडियो लीक होती है और आगे आने वाले जमाने में जो भी तेरी वीडियोस लीक होंगी, तूने फिर भी मुझ पे इल्जाम लगा देना है, तो भाई प्रूफ लेके आ। आवाम को, आवाम का ध्यान फेक प्रैंक दिखा के, किसी की गालियां वाली वीडियोस दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के, लोगों का दिमाग इधर से उधर ना लेके जा। आवाम को मैनिपुलेट करना छोड़ दे शमीर, तेरी तो अभी जो ना आग लग रही होगी इस टाइम पे मेरी वीडियो देख के, जल रहा हो तू। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। फिर जैसे कि आप लोगों को कहता है ये कि हमजा मेरे फ्लैट पे आता था, ये करता था, वो करता था, इसी ने मेरी वीडियो लीक की है, और जैसे आप लोगों को बता रहा था कि मैंने हमजा को अपने फ्लैट की चाबी दी हुई थी। ओ भाई तू तो अपने घर वालों का सगा नहीं है, तू मेरा किस तरह हो सकता है, तू मुझे किस तरह चाबी दे सकता है अपने घर की? वैसे तो तेरे वालिद साहब कहते हैं कि तो घर पे नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, अपने फ्लैट पे रहता है ये, तो भाई तू गया कहाँ था फिर? जब मैं फ्लैट पे था तो तू किधर था फिर? वैसे तू शमीर इतना अच्छा नहीं है, तू अपने फ्लैट की चाबी दे दे किसी को और कहते जाओ यशी करो, इंजॉय करो। हाँ, और जो भी इसने गाइस आप लोगों को मेरी वीडियोस दिखाई हैं जिसमें मैं लैपटॉप वगैरह पे बैठा हूँ, वो ये वीडियोस खुद बना रहा है। मेरे ख्याल में ना गाइस ये सारा सोच लेता है पहले से कि यार मैं इसकी ना ये पहले वीडियो बना लेता हूँ, कल कल आपको कोई मसला होगा तो मैं यहाँ से इसकी ये वीडियो यूज कर दूंगा, ये वाली लगा दूंगा। जब भी इसको कोई मसला होता है इसके बाद तो सारे प्रूफ होते हैं। हाँ, जब भी कोई मसला होता है इसके बाद पहले से प्रूफ होते हैं, इसका मतलब क्या, इसने पहले से सोच के रखा होता है कि गाइस ये इसकी वीडियो बना लेता हूँ मैं, ताकि जो ना दोबारा से मसला होगा तो मैं ये वाली वीडियो लगा दूंगा। अब वो जो आपने मेरी पिक्चर्स लगा रहे हैं जिसमें मैं बेड पे सो रहा हूँ, मेरे सारे कपड़ों में पानी फेंक
था उस दिन, सारा मेरे कपड़े से गीले कर दिए थे उस दिन, मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं थे उस दिन। कोई इशू की बात नहीं थी, लड़के लड़के आपस में होते हैं ठीक है। वैसे मैं पूरा नंगा तो नहीं सो रहा ना, कुछ पहना तो हुआ ना। अब बात गलत शमीर की है कि वो मेरी पिक्चर क्यों खींच रहा है, हाँ मेरी पिक्चर क्यों खींच रहा है, बात उसकी गलत है ना। वैसे तो मुझे कह रहा था कि हमजा लोगों की वीडियो बना लेता है, ये कर लेता है, कोई फेमस बंदा देखता है उसकी वीडियो बना लेता है। खुद असल में ये अपनी बात गाइस आप लोगों को बता रहा है कि खुद जो है ना मैं इसकी ये वीडियो बना लेता हूँ, मैं वो वीडियो बना लेता, असल में बात ये है। नाउ कम बैक टू ऑडियो, ये जो भी बोलता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब आप मेरे बारे में क्या सोचे वो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान इस तरह की हरकतें करता है, आपको पता है कंट्रोवर्सी में पढ़ पढ़ के इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं ठीक है, यहीं से ये पैसे वगैरह कमाता है, अगर इसको कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी इसके पैसे नहीं बनेंगे ठीक है। तो वैसे भी ये मेरी आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर, बेशक मेरी तरफ से ये 10 वीडियो बनाया, 1000 वीडियो बनाया, आई डोंट केयर एट ऑल।